आहा, आपने ट्यून किया है इंग्लिश पिटारा और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। तो याद रहे वाणी के तीन केंद्र होते हैं, शुभवाणी, लावाणी और आकाशवाणी। तो जी हाँ, मैं हूं सियाज और आपका स्वागत स्वैक्स करते हैं। चलिए आज देखना है वॉइस, है ना, वॉइस में एक्टिव का पैसिव बनाना या पैसिव का एक्टिव बनाना, इसका क्या ट्रिक है, क्या कंसेप्ट है, बढ़िया से देखा जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले हॉट टिप्स। हॉट टिप्स बोले तो फॉर्मूला, ठीक है। तो V1 या V5, V1 बोले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और V5 बोले तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो गो क्या होता है, V1 होता है, और कोई भी V1 में एस या एस लगा देंगे तो वो क्या बनेगा, V5। तो गोज, तो गोज क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा, ठीक है। प्ले, प्ले आपका V1 है और प्ले में एस लगाएंगे क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा। रीड आपका V1 है और रीड में एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा। तो याद रहे ऐसा कहीं भी लिखा रहेगा तो उसको चेंज करके, है ना, उसको चेंज करके V3 में चेंज कर देंगे। कहां चेंज करेंगे, V3 में चेंज करेंगे। कहीं भी V1 और V5 लिखा रहेगा उसको कहां चेंज करेंगे, V3 में चेंज करेंगे। और उसके पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ईच एम आर लगा देंगे। याद रहे कहीं भी V1 या V5 कहीं भी रहेगा तो क्या करेंगे कि उसको चेंज करके V3 कर देंगे। जैसे लिखा हुआ है इट, तो इट का V3 क्या हो जाएगा, ईटेन। लिखा हुआ है प्ले, तो प्ले का V3 क्या होगा, प्ले। और उसके पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगा देंगे। जैसे ए मैंगो लिखा हुआ है तो ए मैंगो में आप क्या लगा सकते हैं, इज। आई लिखा हुआ है तो आई में क्या लगेगा, एम। यू लिखा है तो यू में क्या लगेगा, आर। तो याद रहे उसके पहले इज एम आर और V1 और V5 को चेंज करके V3 में उसको चेंज कर देंगे, क्लियर। अब देखा जाए V2 रहेगा, V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो इसको क्या करेंगे, इसके पहले वाज या वर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, वाज या वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और V2 को चेंज करके क्या करेंगे, V3 में चेंज कर देंगे। हाँ, V2 को V3 में चेंज कर देंगे। जैसे बोलेंगे प्लेड, ये आपका क्या V2 है, तो इसका V3 क्या होगा, इसका भी सेम होता है, प्लेड होता है, नहीं। रोड आपका V2 है, रोड का V3 क्या होगा, रिटेल होगा ना जी। सिंग, ड्रिंक, इसका V3 क्या होता है, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक होता है। तो हम देख लेंगे V3 में चेंज कर देंगे, कहीं भी V2 लिखा रहेगा उसके पहले वाज या वर लगा देंगे और उसको V3 में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब आगे कहीं आपका V4 लिखा रहेगा, V4 में क्या होता है, ING, उसमें ING लगा रहेगा। जैसे प्ले का प्लेइंग, गो का गोइंग, इट का ईटिंग। तो याद रहे V4 में क्या होता है, उसमें ING लगा होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखा जाए कहीं भी V4 लिखा रहेगा उसके पहले बीइंग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बीइंग, ठीक है। और V4 को चेंज करके कहां चेंज करेंगे, V3 में। कहां चेंज करेंगे, V3 में। इसे लिखा हुआ है प्लेइंग, कहीं भी लिखा हुआ है प्लेइंग लिखा हुआ है तो उसके पहले क्या लगाएंगे, बीइंग, और प्लेइंग का V3 प्लेड। कहीं लिखा हुआ है ईटिंग, उसके पहले क्या लगाएंगे, बीइंग, और कहां चेंज करेंगे उसको, ईटन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो याद है कि इजी है आपके लिए, आगे देखेंगे। कहीं लिखा रहेगा हैज, हैव या हैड, कहीं लिखा रहेगा हैज, हैव और हैड, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव और हैड को रखेंगे, ठीक है। जैसे आई कहीं लिखा हुआ है तो आई में तो हैव लगता है, कहीं ही लिखा हुआ है तो ही में तो हैज लगेगा, ठीक है। अगर पास्ट है तो सब हैड लग जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम हैज और हैव लगा देंगे। लेकिन उसको लिखने के बाद, इसमें से कोई भी एक लिखने के बाद, इसके बाद में क्या लगाएंगे, बिन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिन। अगर बिन याद ना रहे तो एक सॉन्ग है, बिन बजाती हुई नगिन, ठीक है। आगे निकल जाए, चलिए तो डू और डज रहेगा, डू और डज रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अगर तो इसको रिमूव करके, इसको हटा के क्या लगा देंगे, इज एम आर, क्या लगाएंगे, इज एम आर। कब, जब डू डज स्टार्टिंग में रहेगा तब ऐसा करना है, ठीक है, कैसे मैं बताऊंगा, है ना। चलिए डिड रहेगा स्टार्टिंग में, इंट्रोगेटिव में, तो डिड को रिप्लेस करके इसके प्लेस पर क्या लगा देंगे, वाज या वर लगा देंगे, क्या लगाएंगे, वाज या वर। अब आगे वाई रहेगा, हाउ रहेगा, अगर ये वाइस में रहेगा तो जैसे रहेगा ना वैसा ही इसको स्टार्टिंग में लिख देंगे। अगर ये स्टार्टिंग में तो ये अलग करेगा, तो स्टार्टिंग में याद रहेगा वाई हो या हाउ हो, जैसे रहेगा उसको उसी लिख देंगे। उसके बाद का जो फॉर्मूला होगा हम आगे बताएंगे, बस आपको अभी यहां पर यही जानना है, लिखा रहेगा उसको उसी लिख देंगे। लेकिन अगर हु कहीं लिखा रहेगा, अगर कहीं हु लिखा रहेगा तो हु को रिप्लेस करके, हु को रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, बाय हुम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हु को रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, बाय हुम। अब आगे देखा जाए थोड़ा सा आगे, आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, मी। यू का ऑब्जेक्टिव किस, यू। शी का ऑब्जेक्टिव किस, हर। ही का ऑब्जेक्टिव किस, हिम।
और दे का ऑब्जेक्टिव केस देन और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। बस अब आगे देखा जाए। चलिए अब बारी है क्वेश्चन की। ए भी बोले तो एक्टिव वॉइस और बी भी बोले तो पैसिव वॉइस, तो देखा जाए बढ़िया से। चलिए आई इट ए मैंगो। देखिए कभी भी वॉइस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं आम खा रहा हूं तो मैं क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा आई, ठीक है। और क्या खा रहे हैं आम खा रहे हैं, तो ए मैंगो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हम बोलेंगे कि मैं मोहन को पढ़ा रहा हूं तो मैं किसे पढ़ा रहा हूं मोहन को, तो आई क्या हो जाएगा सब्जेक्ट और मोहन क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो वॉस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखा जाए आई इट मैंगो, तो आई सब्जेक्ट है, ए मैंगो क्या है ऑब्जेक्ट है, और इट क्या है वर्ब है और हमको बनाना है। और आप देख लेंगे इट क्या है विवन है, इट क्या है विवन है, इसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या आपका विवन है, तो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखा जाए बढ़िया से। तो बनाने का ट्रिक है, जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसको पहले खींच कर लाते हैं, जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसको खींच कर पहले लाते हैं, उसको पहले खींच कर लाएंगे। तो देखा जाए ए मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो रूल है कि ऑब्जेक्ट को खींच के पहले लाएंगे। तो ए मैंगो पहले लिखा जाएगा, ए मैंगो पहले हो जाएगा ए मैंगो, ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देखा जाए क्योंकि यार इट है वर्ब है, आई के बाद क्या आया था वर्ब आया था इट, तो इसके बाद भी वर्ब आना चाहिए। तो आपको मैंने बताया है कि वी वन या वी फाइव रहेगा तो क्या लगाना है इज एम आर, और इसको चेंज करके क्या लाना है वी थ्री में, इसको चेंज करके क्या लाएंगे वी थ्री में, तो क्या लगेंगे बोलिए इज लगाया, इज लगाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आम है भाई इज में लगाएंगे और इट का भीतर क्या हो जाएगा इटे, क्या हो जाएगा इटे, ठीक है, इटन हो गया। वी थ्री मैंने चेंज किया और उसके बाद में क्या लगाएंगे बाई, क्या लगाएंगे बाई, तो बाई लगाया, ठीक है। और आई इधर आ जाएगा, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट उधर गया तो सब्जेक्ट आई जो है अब ये इधर आ जाएगा बाई के बाद, ठीक है। तो कभी भी बाई के बाद ऑब्जेक्टिव किस होता है, तो मैंने यहां बाई लिखा है तो बाई आई की बाई मी, तो बाई मी होता है। तो यहां पर क्या लगा देंगे बाई मी, अगर यहां रहेगा बाई शी की बाई हर तो बाई हर, बाई ही की बाई हिम तो बाई हिम, है ना। तो कभी भी आपका ऑब्जेक्टिव किस होगा ये वाला किस पूरा हो जाएगा ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। अब आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन है ही हेल्प्स मी, तो यहां पर ही सब हेल्प कर रहा है तो ये सब्जेक्ट है और मी क्या है ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो मी आपका ऑब्जेक्ट है तो मी पहले आएगा तो वो आई बन जाएगा, क्योंकि आई का जब मी हुआ तो मी जब पहले आएगा तो मी आई बनेगा ना जी, बनेगा ना, तो मी आपका पहले आएगा तो मी क्या बन जाएगा आई। अगर आपको दिक्कत होगा तो यहां मैंने सब लिख दिया है फॉर्मूला, ठीक है, तो मी क्या बनेगा आई, और आई भैया क्या लगता है एक मिनट हेल्प लिखा हुआ है तो ये आपका वी फाइव है ना, एस लगा हुआ है ना हेल्प में, तो आपका वी वन हो या वी फाइव हो इच एम आर लगाना है और वी थ्री करना है। तो आप हमको ये बताइए कि आई में क्या लगता है इच एम आर क्या लगेगा, आप बताइए ना एम लगेगा ना जी, तो एम लगाएंगे ना, एम लगा दिया अब इसका वी थ्री करना है तो वी थ्री क्या हो जाएगा हेल्प का वी थ्री, हेल्प क्या हो जाएगा जी हेल्प, तो आई एम हेल्प। अब बाई, अब क्या हो जाएगा बाई, जब ऑब्जेक्ट जब इधर आया है तो सब्जेक्ट उधर जाएगा ना जी, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन हो सब ऐसा ही बनेगा, सब ऐसा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखा जाए अगला है डू यू प्ले क्रिकेट, अब देखिए डू आ गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या आप क्रिकेट खेलते हो डू यू प्ले क्रिकेट, तो ये कैसे बनेगा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पहले हमको ये समझना है इसमें सब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट कौन है। तो देखा जाए इसमें यू सब्जेक्ट है और क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट है, और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट पहले आता है ना जी, लेकिन उससे पहले एक इसमें ट्रिक है कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट डू डस का यहां, इसके लिए क्या आएगा इसको रिप्लेस में क्या लिखेंगे इज एम आर, क्या लिखेंगे इज एम आर, एक मिनट इज एम आर होगा ना जी। तो आप बताइए क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और क्रिकेट को हम इधर लाने वाले हैं तो क्रिकेट के लिए क्या लगेगा इज एम आर क्या लगेगा, तो इज लगेगा तो हम यहां पर इज लिख दिए, ठीक है, हम यू के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, यू तो उधर जाने वाला है ना, हमको इससे मतलब है कि तो ये इधर आएगा, ठीक है, तो यहां पर इज हो गया और क्रिकेट इधर आएगा तो क्रिकेट मैंने लिखा है, जो मैंने इज लगाया है वो क्रिकेट के लिए लगाया है, क्रिकेट के लिए, ठीक है। चलिए अब इसका बारी है, तो प्ले का भीतर क्या होता है प्लेट, क्या होगा प्लेट, हो गया भीतरी कर दिए। अब जो है बाई यू इधर आ जाएगा, बाई के बाद बन गया इज क्रिकेट प्लेट बाई यू, ठीक है, बन गया ना, लेकिन कितना इजी है, बहुत इजी है, और याद है पूरे वॉइस में
वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना पड़ता है पूरे वॉइस में, ठीक है। चलिए अब आगे देखा जाए। आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। यह आपका राइट का वी टू रोट होता है जो कि पास्ट है और यह आपका वी टू है, और वी टू को कहां चेंज करते हैं देखिए, इसके पहले वाज और वर लगाते हैं और वी टू को कहां चेंज करेंगे, वी थ्री में। तो क्या करना है इसको बढ़िया से लिखा जाए, रोने की बात बिल्कुल नहीं है, आप सीख जाएंगे, ठीक है। देखा जाए तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर है, सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा ना जी, तो ए लेटर पहले, ए लेटर पहले, ए लेटर, और उसके बाद उसके बाद उसके बाद वी टू रहेगा तो क्या लगेंगे, वाज के वर्ड, तो एक लेटर में क्या लगेगा, वाज के वर्ड, तो वाज, तो क्या लगेंगे, वाज। अब इसके बाद क्या हो जाएगा इसका, वी थ्री, तो वी टू का क्या होगा, वी थ्री, तो रोड का वी थ्री रीचे, क्या हो जाएगा, रीचे। अब बाई और आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, बन तो गया, कोई दिक्कत नहीं था। अब आगे देखा जाए, अब आगे देखा जाए, अब आगे He painted the wall. आप मुझे बताइए, टेस्ट पहचान लिए होंगे, ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब ये वी टू है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और ये वी टू है, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि वी टू है, तो वाज वर्ब लगाकर और वी टू को वी थ्री में कन्वर्ट करेंगे, पता है, थोड़ा सा देखा जाए, थोड़ा सा देखा जाए, इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही, ऑब्जेक्ट क्या है, द वॉल, किसको पेंट कर रहा है, दीवार को पेंट कर रहा है, तो द वॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपका पहले आएगा ना, तो द वॉल पहले लिखेंगे, द वॉल पहले लिखेंगे, लिखा है ना, और पेंटेड वी टू है, तो वी टू के लिए वाज या वर्ड, तो वॉल क्या लगेगा इसमें, वॉज लगेगा, लगेगा ना जी, वॉज, ठीक है, और पेंटेड का भी थ्री पेंटेड होता है ना, तो पेंटेड, हेलो, पेंटेड पाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, बन गया। एक और देखा जाए इसका इंट्रोगेटिव, डिड यू राइट अ लेटर, डिड यू राइट अ लेटर, ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे डिड के लिए क्या आता है, तो वॉज या वर्ड, वॉज या वर्ड, वॉज या वर्ड, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक मिनट, यू सब्जेक्ट है और ए लेटर क्या है, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर को इधर खींच कर लाएंगे, तो ए लेटर के लिए क्या लगाएंगे, वॉज की वर्ड, तो वॉज लगाएंगे ना, लगाएंगे ना, तो देखा जाए वॉज अ लेटर, अब राइट का भी थ्री रिटेन, हेलो, रिटेन बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यू का सिंगल फॉर्म होता है ना, चलिए बोले यहां में किसी को दिक्कत, तो जल्दी से लिखा जाए, अब आगे बताना होगा। चलिए अब रुक करेंगे आगे, ए भी, आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, तो देखा जाए आई एम ईटिंग एन एप्पल, हमको एक चीज गौर करना है, इसमें वी फोर आया है, आई एम जी लगा हुआ है, और वी फोर में क्या करना है, इसके पहले बीइंग लगाना है, क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, और वी फोर को वी थ्री में कन्वर्ट करना है, याद रहे वी फोर अगर रहेगा आई एम जी इसमें लगा रहेगा, तो वी फोर से पहले बीइंग लगाना है और उसको वी थ्री में कन्वर्ट करना है, ये आपका ट्रिक है, तो देखा जाए तो सबसे पहले देखेंगे आई इसमें सब्जेक्ट है और एन एप्पल क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को घींच के कान पकड़ के पहले लिखेंगे, तो एन एप्पल पहले, एन एप्पल पहले, उसके बाद एम है, तो आप ये बताइए एम तो आई एम में लगता है लेकिन एन एप्पल में क्या लगेगा, इज लगेगा है ना, यू में आर लगेगा, ये बात आपको पता है पहले से, तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा यहां पर इज। अब बारी है ईटिंग का, तो ईटिंग है विफोर है, तो विफोर से पहले क्या लगाएंगे, देखिए यहां पर विफोर से पहले बीइंग लगाएंगे और विफोर को वी थ्री में कन्वर्ट करेंगे, देखा जाए तो क्या करेंगे यहां पर बीइंग लगाएंगे, बीइंग लगा दिया और विफोर का वी थ्री क्या हो जाएगा इसका ईटिंग का, तो ईटिंग, हाँ, फिर बाय और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, बन गया, बन गया, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी। एक और क्वेश्चन है देखा जाए, I was playing cricket. इसमें was आ गया, देख लीजिए ये आपका पास्ट का है, हमको डरना बिल्कुल नहीं है, हमको पता है इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट है, तो आपका क्रिकेट जो है पहले आएगा, तो क्रिकेट को हम पहले लिखेंगे, क्रिकेट को हम पहले लिखने वाले हैं, फिर was का was लिख देंगे, क्योंकि क्योंकि क्रिकेट में भी was लगेगा नहीं, तो देखा जाए तो क्रिकेट was। अब बारी है प्ले लिखा हुआ है, V4 है और V4 से पहले क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे और उसको V3 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे बीइंग लिखेंगे, बीइंग और प्ले का V3 प्ले, क्या होगा प्ले बाय आएगा मी, बन गया, ये भी आपसे बन गया। अब इस पर जितना भी क्वेश्चन होगा सब आपका ऐसा ही बनेगा, इजी है आपके लिए। अब आगे देखा जाए, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव
आई हैव रिटन अ लेटर, इसमें सब्जेक्ट आपका आई है और ऑब्जेक्ट क्या है और लेटर है, क्या है और लेटर, और आपका आपको मालूम है कि आई सब्जेक्ट है और लेटर क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को कान पकड़ के पहले तो क्या हो जाएगा ए लेटर, हेलो ए लेटर। हाँ एक लेटर में हैव लगाएंगे कि हैज लगाएंगे, हाँ तो पता है आपको है ना, एक आदमी जैसे मोहन, तो मोहन में हैज क्या है तो मोहन हैज, सोहन हैज, ही हैज, शी हैज, यहां पर एक लेटर है तो हैव को चेंज करके कहां लिखेंगे हैज में, तो क्या हो जाएगा ए लेटर हैज। और आपको पता है कि कभी भी हैज या हैव या हैड रहेगा तो उसी के बाद में क्या लगाना है बीन, तो यहां पर हैज लिख दिया मैंने तो बीन लगाए। और एक ट्रिक भी है बीन बजाती हुई नागिन, हाँ देखा जाए तो क्या लगाएंगे बीन, और वी थ्री करना होता है देख लीजिए इसके बाद में वी थ्री आता है ना पूरे वॉइस में, तो इसमें वी थ्री क्वेश्चन में ही पहले से लिखा हुआ है, आपको सोचना भी नहीं है पहले से लिखा हुआ है वी थ्री, तो रिटेन का रिटेन और पाई आएगा मी, सबको कॉपी में नोट करना है तो आप पढ़ाई का मेन मजा आएगा ठीक है। चलिए आगे लिखा जाए ही हैड संग ए सॉन्ग, ही हैड संग ए सॉन्ग, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है पहले लिखिए, पहले ए सॉन्ग क्या है आपका ऑब्जेक्ट है तो ए सॉन्ग लिखा जाए, ए सॉन्ग है ना हैड का हैड, और याद रहे हैड हो हैव हो या हैज हो इसके बाद क्या लगाएंगे बीन, तो बीन लगाए ना बीन लगाए, हाँ तो लगाइए भाई, तो ए सॉन्ग हैड बीन, और संग भीतरी पहले से किया हुआ है तो उसे खाली लिख दीजिए संग और बाई और ही का बीन बन तो गया, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन है आपका हु ईट्स राइस, चावल कौन खाता है हु ईट्स राइस है ना हु, हाँ एक मिनट इसको लिखा जाए, चलिए तो क्या करना है आपको देखिए हु को कहां चेंज करेंगे बाय हु में, सब लिखा हुआ है सब लिखा हुआ है, यहां देखिए हु को कहां चेंज करेंगे बाय हु में चेंज करेंगे बाय हु, तो यहां पर पहले लगा देते हैं बाय हु, चलिए मैंने लगा दिया बाय हु, अब देखा जाए लिखा हुआ है इट्स, क्या लिखा हुआ इट्स मतलब क्या है ये वी फाइव है इस लगा हुआ है, और मैंने आपको बताया है कि इस लगा हो या इस लगाओ या कुछ नहीं लगाओ या वी वन हो तो वी वन और वी फाइव रहेगा, तो क्या करना होता है हमको इस एम आर लगाना होता है ठीक है, और वर्ब का वी थ्री, तो आप हमको ये बताइए इसमें कौन चावल खाता है ये पता नहीं है लेकिन क्या खाता है राइस है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है आपको पता है कि ऑब्जेक्ट पहले आता है ठीक है, तो हम राइस के अकॉर्डिंग इज एम आर को लगाएंगे, आपको पता है पहले से ही पता है, तो देखिए ना लिखा हुआ इज एम आर, तो यहां पर ऑब्जेक्ट आपका राइस है तो राइस किधर खींच के लाएंगे तो इसके लिए हम इज लगाएंगे, अगर यहां आई होता तो हमको एम लगाना पड़ता, अगर यहां पर हिम होता यहां को इज लगाना पड़ता, तो देख लेंगे ऑब्जेक्ट क्या है ठीक है, तो मैंने यहां पर इज लगाया और राइस का राइस लिखा ठीक, और इट्स का भीतरी इट्स का भीतरी इटेन, तो बन गया ना बाय हुम इज राइस इटेन बन गया, अब ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा अपने सब बना लेंगे, हाँ अपने सब बना लेंगे। देखा जाए एक और क्वेश्चन पर देखा जाए हु किल्ड बाहुबली, हु किल्ड बाहुबली, तो आप बोलेंगे कि भारी का है तो कोई बना देगा, हु किल्ड बाहुबली तो कटप्पा, कटप्पा ने मारा है ऐसा बात नहीं है, ऐसे नहीं बनाना है देखा जाए, तो हु किल्ड बाहुबली, तो सबसे पहले हु को कहां चिन्ह करेंगे तो हु को चिन्ह करेंगे बाई हुम में, याद रहे तो क्या लगाएंगे भाई बाई हुम, अब ये वी टू है किल्ड क्या है वी टू है, तो वी टू के लिए क्या आता है देख लीजिए यहां पर वाज और वर आता है, क्या आता है वाज और वर आता है, और आपका इसमें ऑब्जेक्ट कौन है बाहुबली है, तो बाहुबली जब पहले आएगा इसके लिए वाज या वर क्या लगेगा वाज, फिर बाहुबली और किल्ड का भीतरी किल्ड ही होता है, चलिए कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत, इसको पहले लिखा जाए जल्दी लिखा जाए, चलिए तो आप देखा जाए अब आपका जो है ऑर्डर वाला सेंटेंस रहेगा वो आपसे कैसे बनेगा उसको देखा जाए बढ़िया से, तो ऑर्डर रहेगा ऑर्डर बोलेगा इसका स्टार्टिंग होगा विवन से होगा विवन बोले तो वर्ड का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा, इसको बनाना कैसे है पैसिव वॉइस में है ना, सबसे पहले लेट लिखेंगे क्या लिखेंगे लेट एल ई टी लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को यहां पर रख देंगे लेट के बाद में ठीक है, और बी लगा देंगे अपना मन से क्या लगाएंगे बी क्या लगाएंगे बी, और ये जीवन को भीतरी में कन्वर्ट कर देंगे ठीक है, पूरे पैसिव में आपको भीतरी करना ही था ठीक है, तो देखा देखा जाए तो क्या करेंगे पहले लेट
फिर ऑब्जेक्ट, फिर पी और फिर V1 का V3। तो देखा जाए कैसे बनेगा। तो ओपन द डोर, इसमें ओपन क्या है, V1 है, ये आपका V1 है, ठीक है। द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हो गया ना फॉर्मूला ऑपोजिट, ये V1 और ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द डोर। तो क्या करेंगे, आपको बनाने का फॉर्मूला ये है, ये वाला। तो पहले क्या लिखेंगे, लेट, लेट लिखिए, मैंने लेट लिखा। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा है जी, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका यही ना है जी, ये है ना। तो ऑब्जेक्ट को इसके बाद लिखेंगे, तो द डोर क्या ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर, हो गया। लेट का लेट, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब क्या बोल रहा है, बी, तो बी लगाइए, और V1 का V3, तो यहां पर ओपन का V3, ओपन, ओपन का V3, ओपन, हो गया ना ओपन, ठीक है। एग्जाम में कभी उल्टा लेता है, ये लिखा रहेगा और ये चार ऑप्शन रहेगा, जिसमें से आपका ओपन द डोर रहेगा, ओपनिंग द डोर, ओपन्स द डोर, ओपेंड द डोर, सही क्या होगा, ओपन द डोर। अगर ये रहेगा एग्जाम में, आपको ये बनाना होगा, लेट द डोर बी ओपेंड। उल्टा एग्जाम में आता है, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया है। चलिए अब आगे देखा जाए। अब एडवाइस, अगर एडवाइस बोलेगा तो एडवाइस का स्टार्टिंग V1 से होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव में। तो बनाना कैसे होता है, तो ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बना देंगे, एस फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर शुड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शुड, और फिर इसके बाद भी बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बी, और V1 का V3, ठीक है। तो देखा जाए कैसे बनेगा, देखिए, तो इसमें V1 कौन है, हेल्प क्या, V1 है, मदद करना, क्या है, ये V1 है। द फोर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, द फोर क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। तो देखा जाए, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द फोर को पहले लिखेंगे, द फोर, द फोर, अब क्या लगाएंगे, शुड, है ना जी, शुड, शुड लगाइए, शुड, और बी का बी, और V3 बोला है, तो हेल्प का V3, हेल्प, हा, हेल्प बन गया ना, द फोर शुड बी हेल्प। चलिए जल्दी से स्पीक कर, चलिए अब आगे रुक करेंगे, देखा जाए। अब इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव जो सेंटेंस है वो कैसे बनता है, इन्फिनिटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा इन्फिनिटिव कैसा कैसा होता है दिखने में, ठीक है, पहले पहचाने तो ना बनाएंगे जी। तो देखा जाए, तो इन्फिनिटिव जो है आपका एक्टिव वॉइस में, है ना, 2 प्लस V1 होगा, क्या होगा, कहीं भी आपका 2 लगा हो, क्या लगा हो, 2 लगा हो, है ना, और V1 हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, वो क्या होगा आपका, इन्फिनिटिव होगा, लेकिन उसके पहले 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 प्लस V1, लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, पैसिव में 2 का 2 लिखेंगे, है ना, और उसके बाद बी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बी, क्या लगाएंगे, 2 के बाद बी लगाएंगे, और V1 को V3 में कन्वर्ट कर देंगे। बस यही मेन आपका स्ट्रक्चर इसका है, ठीक है, और कहीं भी 2 रहेगा हमको ऐसा ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखा जाए, I am to play cricket, इसमें क्रिकेट क्या ऑब्जेक्ट है, अब आपको पता है कि कौन ऑब्जेक्ट है और कौन सब्जेक्ट है। तो क्रिकेट, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एम होगा कि इज होगा, तो इज होगा, इज, और प्ले का V3, एक मिनट, क्रिकेट इज, अब 2 आ गया, 2 का 2 लिखी, और 2 के बाद क्या होगा, बी, क्या होगा जी, 2 के बाद बी, है ना जी, यहां पर 2 के बाद बी है ना, तो बी लगाइए, और प्ले का V3 क्या हो जाएगा, प्ले, क्या हो जाएगा, प्ले बाय मी, हो गया, कोई दिक्कत है क्या। अब आगे देखा जाए, He was to write a letter, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, A letter, तो A letter was to का 2, और 2 के बाद क्या लगाएंगे, B, और उसके बाद V3, तो write का V3, written by, और he का क्या हो जाएगा, him। चलिए अब आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन आपका है, I have to sing a song, तो क्या हो जाएगा, A song पहले, और एक गाना में has लगता है, तो क्या हो जाएगा, has, 2 का 2, और 2 के बाद क्या लगाएंगे, B, और C का V3, sun, और by, I का me, कोई दिक्कत है क्या। अब कुछ अलग देखा जाए, एग्जाम कुछ पूछता है, देखा जाए कुछ मेन बात बता रहे, अलग से बता रहे, देखिए, I know you, तो इसका क्या बनाएगा पैसे, देखिए तो आप क्या करेंगे, यू को लिख देंगे, यू ऑब्जेक्ट है, तो यू को पहले लिखेंगे यू, है ना, और V1 है, इसलिए क्या लगेगा, इस एम आर, तो यू क्या लगता है, आर, और नो का V3 क्या होता है, नोन, होता है जी, नोन, है ना, और फिर बाई मी, हो गया। लेकिन नो एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन 2 लगता है, क्या लगता है, 2, बाय कभी नहीं लगता है, तो याद रहे, यू आर नोन, यहां पर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 मी, अब सही है, ठीक है। एक और साइन लिखिए, ऐसा होता और है, लेकिन जो आपको पूछे एग्जाम में, मैं बस वही पढ़ा रहा हूं, देखा जाए, राम मैरिड सीता, तो सीता पहले मैरिड, V2 है, तो क्या लग जाएगा, वॉज,
वॉज। और मैरिड का पितृ क्या होता है? मैरिड ही होता है, मैरिड मैरिड। तो बाई राम कर दे, बाई राम नहीं, इसमें भी टू ए लगता है, तो क्या होगा? सीता वॉज मैरिड टू राम। चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं कि जय हो जय हिंद।